एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नदन कपल एंड सदन लाइफ। तो ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है और मैं अभी जा रही हूँ अपने हस्बैंड का लंच बनाने के लिए। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं बनाऊँगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिन से पत्ता गोभी की सब्ज़ी खाई नहीं थी, मुझे तो याद भी नहीं मैंने कब खाई थी। तो मैं लेकर आई हूँ लास्ट वीक। तो ये रही, तो हम लोगों ने सोचा कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी क्यों ना पराठे के साथ खाई जाए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पत्ता गोभी को, ये मेरे पास नल में दो तरह का पानी आता है, गर्म पानी भी आता है और ठंडा भी। तो मैं गर्म पानी से धो ले रही हूँ क्योंकि इसका जो स्मेल है ना वो बहुत जल्दी जाता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसे अच्छे गर्म पानी से थोड़ा सा धो लेती हूँ। अभी यहाँ मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैंने यहाँ पर जीरा और राई का तड़का दिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन। तो लहसुन जैसे ही हमारे ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें मिर्च डाल दूँगी। यहाँ पर ये देखिए, एक्चुअली मार्केट में मुझे ये हरी वाली मिर्च मिली नहीं थी तो मैं ये रेड वाली, जो मतलब ग्रीन वाली होती ना, वही जो पक जाती है वो रेड हो जाती है। और यहाँ पर मैंने प्याज ऐड कर दिया है और उसको अच्छे से भून लिया है। और भूनने के बाद मैं यहाँ पर आलू ऐड कर दे रही हूँ। आलू मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मतलब कोई भी सब्ज़ी हो उसमें आलू कंपलसरी होना ही चाहिए। तो मैं पत्ता गोभी में भी आलू डाल रही हूँ, कुछ लोग शायद नहीं भी डालते हों बट हम लोगों को अच्छा लगता है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक, और नमक डालने के बाद मैं अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी और फिर मैं इसे पकने के लिए ढक कर रख दूँगी। तो जैसे ही ये पक जाएगा तो मैं इसमें बाकी के जो मसाले होते हैं ना वो डालूँगी। तो यहाँ पर जब तक पत्ता गोभी की सब्ज़ी पक रही है तो मैं यहाँ आटा लगा ले रही हूँ, क्योंकि मैं आटा लगा कर रख दूँगी। उससे क्या हो जाएगा, आटा जो है ना अच्छा सेट हो जाएगा। तब तक मेरी सब्ज़ी में मैं मसाले वगैरह डाल लूँगी। तो यहाँ पर मैं डालूँगी सबसे पहले हल्दी और धनिया मसाला, हल्दी मसाला, धनिया मसाला और रेड चिली थोड़ी सी ही खाते हैं क्योंकि हम लोगों को मिर्ची ज़्यादा मतलब तीखा पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा। और इसके बाद मैंने वेजिटेबल मसाला जो होता है ना वो भी डाल दिया है इसमें, और सबको बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी इसमें। और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी टमाटर, कटे हुए टमाटर, और सबको मैं अच्छे से मिक्स करके ढक दूँगी। और ना नाइट में जो मेरे बर्तन मैंने धोकर रखे थे वो सूख गए हैं यहाँ पर, तो मैं छोटे छोटे जो बर्तन हैं जैसे प्लेट्स वगैरह है और ग्लासेस वगैरह वो ऊपर बर्तन रैक में रख दिए हैं, और बाकी डिश वॉशर में मैं बाकी के बर्तन रखती हूँ जो बड़े बड़े होते हैं। और अभी यहाँ पर मैं ना राइस धो ले रही हूँ, तो मेरी सब्ज़ी पक चुकी है। तो और यहाँ पर मैं, ये देखिए हम लोग ये वाला राइस खाते कुकर में नहीं लगाते हैं तो मैं गंजी में बनाती हूँ पसा कर। तो अभी मैंने पानी चढ़ा दिया है और अब मैं पराठे बनाऊंगी यहाँ पर। और यहाँ पर ना ये देखिए, ये जो मेरा चौकी है ना ये यहाँ पर बहुत स्लिप करता है, सिर्फ मतलब फिसलता है बेलने में रोटी या पराठे वगैरह कुछ भी। तो यहाँ पर मेरे पास जो रबर के जो वो होते हैं ना बेस, जिसमें हम बर्तन मतलब खाना बना कर रख देते हैं, तो उन्हीं को मैं ना नीचे रख देती हूँ ताकि बेलने में ना ये स्लिपरी ना हो। और यहाँ पर मैं ये जो तीन कोने वाले पराठे होते हैं ना वो बना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को ये तीन कोने वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बीच में तेल लगा कर, और मैं तो गोल वाले भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे पराठे सेक लूँगी और मेरा जो पानी है यहाँ पर वो भी मतलब जो अदहन है चावल के लिए जो मैंने रखा है वो भी हो गया है। तो मैं अपना यहाँ पर जो है चावल धोकर रखा था मैंने, तो वो भी डाल दूँगी। और यहाँ पर मेरा खाना जो है ऑलमोस्ट मतलब बन गया है और अब मैं यहाँ आ गई हूँ। ये देखिए मेरा खाना बन गया है। तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सुबह जो है मॉर्निंग में बाहर आकर गैलरी में खड़ा होना अच्छा लगता है मुझे, तो मैं थोड़ी सी खड़े हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे सुबह सुबह, हम लोग मतलब जल्दी ही उठ जाते क्योंकि उनको ऑफिस जाना रहता है।
मेरा पहले हैबिट नहीं था इतना, मतलब बहुत दिन हो गए मैं इतना सुबह उठकर लंच वंच वगैरह कुछ भी नहीं बनाती थी, मगर अब मैंने फिर से स्टार्ट किया है क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हमारे जो घर के सामने कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इतनी ग्रीनरी है। और ये रही मेरे घर की सीढ़ियाँ, और यहाँ ना छोटे छोटे ऐसे पाथ हैं सोसाइटी के अंदर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने के लिए। और अब मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड का लंच जो है पैक कर देती हूँ, 3 बॉक्सेस में, एक में सब्ज़ी रख दूँगी, एक में पराठे और एक में चावल लगा दूँगी। और मैं उनको सब्ज़ी और पराठे जो है वो खा कर भी जाएंगे, क्योंकि मैं अलग से कुछ ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ, तो इसी में से मैं सब्ज़ी पराठा उनको ब्रेकफास्ट में दे दूँगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ओह माय गॉड, यहाँ हल्की हल्की आज बारिश हो रही है। मैं अभी सोच रही थी कि वॉक पर जाऊँ, बट सडनली यहाँ पर बारिश हो रही है, और यहाँ पर मैं पहली बार बारिश देख रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, अब बारिश में तो इतने में तो गीली हो जाऊँगी मैं। अभी बिल्कुल जस्ट मैं सोच रही थी कि मेरा काम हो गया है, हस्बैंड का लंच बॉक्स भी लगा दिया है मैंने, और थोड़ी देर से वो निकलेंगे। अभी 7:40 हुआ है, और मैंने सोचा था कि मैं अभी जाके 8 बजे तक वापस आ जाऊंगी, बट सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग। कैलिफोर्निया वाली पहली बारिश की बछारे। ये देखिए यहाँ पर रोड की क्लीनिंग के लिए इस तरह से गाड़ियाँ आती हैं। मैंने 15 मिनट वॉकिंग कर ली है, फिर से हल्का हल्का ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गया है, तो अब मैं निकलती हूँ घर को। सुबह अगर वॉक करने जाओ ना तो दिन काफ़ी अच्छा रहता है। डॉगी बाग कर रहा है। सुबह अगर वॉक करने जाओ ना तो सारा दिन जो है ना एनर्जेटिक रहता है, और अगर मैं घर पर ही रहती हूँ ना तो थोड़ा मुझे बोर सा लगता है, तो मैं वॉक पर निकल जाती हूँ। तो अभी हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, और अभी घर में ज़्यादा मेरे कुछ काम रहता नहीं है एक्चुअली सुबह सुबह में, क्योंकि झाड़ू पोछे का टेंशन नहीं है, नीचे कारपेट बिछा हुआ है। ये देखिए पूरे घर में सिर्फ ये जो बालकनी का एरिया रहता है ना, बस यहाँ हम झाड़ू कर सकते हैं, बट वो भी इतना गंदा नहीं होता है। तो अभी जो हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट किया था वो प्लेट वगैरह रखा हुआ है, और तो घर मेरा साफ ही रहता है, ज़्यादा कुछ वो नहीं रहता है। और किचन में थोड़े से ना बर्तन जो मैंने सुबह खाना बनाया था तो वो वाले बर्तन बस रखे हुए हैं, तो बस इन बर्तनों को मैं वॉश करूँगी और बस मेरा काम हो गया। और हाँ, ये गीला टॉवल छोड़ कर गए हैं तो मैं इसको बाहर डाल देती हूँ।
चुके हैं और मैंने एक जग भर के पानी भी रख लिया है डाइनिंग टेबल पे। बस फिल्टर अभी खाली हो गया है तो मैं उसको फिल कर लेती हूँ और अभी इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। फिर नहाने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो मैं अभी नहा कर आ चुकी हूँ और अब चलते हैं किचन में। पिछले हफ्ते से मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाना चालू किया है तो अभी तक तो हम लोग साथ में ही ब्रेकफास्ट करते थे, तो अब मैं अकेले करती हूँ ब्रेकफास्ट। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है बिकॉज़ पिछले 2 साल से जब से लॉकडाउन था फिर वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो तब से फिर ऑफिस नहीं जा रहे थे, और जैसे ही अभी हम यहाँ मूव हुए हैं तो उसके एक हफ्ते बाद से मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाना चालू किया है। तो मतलब थोड़ा सा अजीब होता है ना, दो साल का हैबिट हो गया है साथ में खाने का और अब मैं बिल्कुल घर पे अकेली रहती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। एडजस्ट होने में टाइम लगता है कि क्या होता है ना, हम किसी चीज़ के हैबिचुएट हो जाते हैं तो वो आदत भी धीरे धीरे जाती है। तो अब मैं जा रही हूँ, निकाल कर खाऊँगी अपने लिए, ब्रेकफास्ट करती हूँ मैं। मेरे पास है सब्जी पराठा और ये एक छोटा सा केक जैसा है जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे डोनट के साथ, तो मैं ये भी खाने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे लेकर आए हैं तो मुझे ही खाने पड़ेंगे, बहुत सारे हैं मतलब वो मीठी चीज़ नहीं खाते हैं। तो मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और बाहर ना बहुत अच्छी धूप भी आ गई है। मुझे लगा ही था वो मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ कि सुबह बारिश रिमझिम सी हो गई, बट वो धूप तो आनी ही थी क्योंकि अभी एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। बजे मैं फ्री हो जाती हूँ तो मेरे पास बुक्स हैं कुछ रीड करने के लिए तो मैं उन बुक्स को रीड करती हूँ। फिर थोड़ा सा अभी टाइम रेस्ट करूँगी, थोड़ा मोबाइल स्क्रॉल करूँगी। तो यही था आज का व्लॉग छोटा सा मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, और आगे भी मैं इसी तरह से व्लॉग्स बनाती रहूँगी, होपफुली आप लोगों को पसंद आएंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।